ये है दुमही, ये एक ऐसी दुमही है जो अपने आप को बिल में समा रही है। आप देखना चाहेंगे कितनी ज़ोर से झटके मार रही है, लेकिन मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ऐसी दुमही रोज़ रोज़ नहीं पकड़ी जाती हैं। मैंने इसको पूरे जोर लगा के खींच रखा है, लेकिन ये दुमही अपने आप को अंदर की तरफ खींच रही है, लेकिन मैं इस दुमही को छोड़ना नहीं चाहता। कैसे करके मैं इसको ऊपर लाना ही चाहूँगा। इसने अपना पूरा जोर लगा रखा है, मैंने दोनों हाथों से पूरा जोर लगा रखा है, लेकिन इस दुमही को मैंने आखिरी में हासिल कर ही लिया है। ये बहुत ही ख़तरनाक दुमही है और आप देख सकते हैं ये कम से कम 3-4 फुट लंबी दुमही है। और इस दुमही की जीभ देखो कैसे लपर के ले रही है। दुमही मेरे को खाने की कोशिश करे, लेकिन मैं अपने आप को बहुत बचा रहा हूँ क्योंकि मैं एक डिस्कवरी क्षेत्र से आया हूँ। मैं यहाँ का नहीं हूँ, बाहर का से आदमी हूँ। और आप मेरा चेहरा देख सकते हैं, कितना सुंदर चेहरा है। और आप आ जाइए फिर दुमही पर। इस दुमही को मैं अलग अलग तरीके से, मैं इस दुमही को बोतल में घुसाना चाहूँगा। अगर इसने अपने आप को बोतल में घुसाने की कोशिश करी तो ये देखिए इस दुमही ने मेरी तरफ काटने की कोशिश की। आप देख सकते हैं कि दुमही, देख सकते हैं आप कितनी ख़तरनाक दुमही है ये। इस दुमही का वज़न कम से कम 2.5 से 3 किलो वज़न होता है। और ये दुमही आप देखना चाहेंगे, और दुमहियों की बजाय और दुमहियाँ गोल होती हैं। ये अपने आप को नीचे से गोल है, लेकिन ये पीछे से इसका हिस्सा कटा हुआ है, तो मतलब इसका जो पीछे वजन है वो पूरा नहीं जा पा रहा। आगे से दुमही गोल, और आप देखना चाहेंगे बिल्कुल शांति से। और ये यहाँ से इस दुमही का आकार ही बदल गया है। देखिए ये सांप की तरह चौड़ी होती जा रही है बिल्कुल, और ऊपर से बिल्कुल पतली, मतलब ये दुमही पर कोई घटना घटी हुई है। आप देखना चाहेंगे नीचे से दुमही गोल है, मोटी भी है। आप इधर से देखिए, अब देखिए ये दुमही यहाँ से गोल है, लेकिन ऊपर से जाके देखिए ये दुमही चौड़ी होती गई है बिल्कुल, देख सकते हैं आप। अच्छा, ये दुमही बीच बीच में डस भी सकती है, देख सकते हैं ये दुमही ने कितना गुस्सा आ रहा है। और ये दुमही देखो मेरी तरफ कैसे आ रही है, जैसे ये मेरे को अभी डस लेगी और खा ही चुकी है मेरे को, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। आप देखना चाहेंगे कि ये जो दुमही है ये अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा रही है, और इसमें गुस्सा कुछ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसने अपने आप को फुला सा लिया है, मतलब ये मेरे को मतलब अपना छो दिखा रही है, अपना गुस्सा दिखा रही है। वरना दुमही कभी मोटी नहीं होती जाती है, ये तो अपने लंबी चलती जाती है। इस दुमही में गुस्सा ज़्यादा है क्योंकि मैंने इसको मुझसे के बिल से निकाला है, क्योंकि ये अपने मंजिल तक जा चुकी थी। और जो किसी को किसी की मंजिल से निकालता है तो वो अपने आप को काबू से बाहर कर लेती है। लेकिन मैं तो बस आपको एक ही चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये इतना सुंदर सुशील बच्चा जिसने अपने हाथों से इतने बड़े ख़तरनाक वह जानवर को पकड़ लिया है, जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र से है और गांवों का ही बच्चा है, जिसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। तो ये लोगों की दुआ और भगवान के भरोसे होता है। आप फिर से चेहरा देख सकते हैं भाई मनोज कुमार का, कोई बात नहीं, आराम से देखिए। अब आप आ जाइए फिर दुमही पर। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मैं इस दुमही को फिर से बिल के अंदर डालना चाहूँगा। और ये दुमही देखो इस दुमही की आप आंखें देख सकते हैं, इसने कितनी लाल आंखें कर रखी हैं। और आप देखना चाहेंगे ये दुमही बिल्कुल फूकार से मेरी तरफ आ भी सकती है, लेकिन मैं इतना खतरा इसलिए मोल ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को लोगों को हंसाने का बड़ा मज़ा आता है। जब लोग हंसते हैं तो मेरा खून बढ़ता है, मैं लोगों की खुशी में खुश रहता हूँ। अब इस दुमही को मैं बिल के अंदर प्रवेश कराऊंगा। ये दुमही अपने आप को बिल में इतनी तेज़ी से डालेगी। अब आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि ये दुमही पीछे से कितनी पतली है। कहा जाता है इसका 6 महीने ये मुँह चलता है और 6 महीने में परला मुँह चलता है, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा, लेकिन इसका ये मुँह पर न तो कोई आँख है न ही कोई मुँह है, तो 6 महीने में यहाँ पर आँख कैसे आ जाएंगी, सोचने वाली बात है। ध्यान से सोचिए, और आप एक चीज़ तो ध्यान से देखिए, अब ये जो दुमही है अब इसकी आप देखें चौड़ाई कितनी हो रखी है, आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे सांप पलेटा मारता है उसी तरह से इसने चौड़ाई कर रखी है, आज देखिए। और अब आप देख सकते हैं कि आगे दुमही बिल्कुल गोल है, अब ये अपने आप को बिल में प्रवेश कराने जा रही है। लेकिन मैं इसको बिल में अगर कर देता हूँ तो मुझे पूरा जोर लगा के इसको निकालना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं, देखना चाहेंगे दुमही को कितना गुस्सा आ रहा है। ओहो, इसने अपने ओ माय गॉड,
मैं इससे मुश्किल से बच पाया हूँ, इसने मेरी तरफ फन मार दिया था। फन तो होता ही नहीं है, जीभ मार दी थी। लेकिन मेरे को बड़ा डर लग रहा है, आप मेरे चेहरे पर देख सकते, थोड़ा डर महसूस होगा, इतना भी नहीं है जितना आप देख रहे हैं। वाह वाह, कैसी दुमई है ये। दुमैया पहले एशियाई क्षेत्रों में पाई जाती थी, लेकिन आजकल तो ये अपने कपासों में ही पाई जा रही हैं। आप कपास भी देखते हैं, बड़ी सुंदर कपास है हमारी। अब मैं आपको इसके बारे में क्या जानकारी दे सकता हूँ। अब मैं इसको ज़्यादा करीब से नहीं पकड़ता, क्योंकि मेरे को भी डर लगता है। अभी मैं कुंवारा बच्चा हूँ, शादी वादी तो हुई नहीं है, लेकिन मैं तो आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकता हूँ। आप एक चीज़ और देख लीजिए, अब इसको मैंने पलटा दिया है, मतलब उल्टा, लेकिन ये अपने आप को उल्टा नहीं रख सकती। आप इस बात पर ध्यान दीजिए, मैंने इसको उल्टा किया है, लेकिन ये अपने आप को उल्टा नहीं रख सकती, ये फिर से सूदी हो जाती है। लेकिन मैं आपको अब क्या बताऊं इसके बारे में। ये तो वो जीव है जो पहले भी वही था। आप सोच रहे हैं पता नहीं अब क्या बन गया होगा, लेकिन अब भी वही है ये। बस मैं तो अपने आप को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जो धुमई है मैंने इसे अपने कोमल कोमल हाथों में पकड़ रखा है। देख लीजिए इस धुमई को अपनी कोमल नज़रों से। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अब मैं इस दुमई को बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखते होंगे ज़्यादा किसी को तंग करना भगवान भी वो देता है, पाप चढ़ता है। और मैं भी ज़्यादा किसी को तंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक नेक दिल इंसान हूँ। मैं कोई मारने वारने वाला नहीं हूँ, मैं तो पशु पक्षी पेड़ों से लगाव रखने वाला हूँ। और अब मैं इसको बिल्कुल फ्री कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यह अपने आप को बिल में घुसाकर कितनी खुश है, यह अपने आप को तेज़ी से बिल में ले जा रही है। और दुमई ने अपने आप को एकदम से बिल में समा चुकी है, अब दुमई बाहर आने की कोशिश भी नहीं कर सकती। आप देख सकते हैं। डिस्कवरी मनोज कुमार, धन्यवाद आपने मेरे को इतना टाइम दिया।